हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आज मैं आपके लिए लौकी का रायता रेसिपी लेके आई हूँ, जो हेल्दी तो है ही और टेस्टी भी बहुत होता है, और गर्मी के दिनों में तो इसे बहुत पसंद किया जाता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। लौकी का रायता बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बहुत छोटी सी लौकी ली है, जिसे सबसे पहले हम कट करके पील कर लेंगे। इसका छिलका उतारना है हमें, तो हमें इसका ऊपर का पार्ट और बैक साइड का पार्ट जो है हम कट कर लेते हैं पहले, और दो पीसेस में कट कर लेते हैं इसको, कि हमें इसको ग्रेट करने में इजी होगा। तो सबसे पहले पील कर लेते हैं, इसका ऊपर का छिलका हमें उतारना है। अगर आपको मेरी बनाई गई रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे हर नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो यहाँ देखिए, लौकी को मैंने बहुत अच्छे से पील कर दिया है। तो पील करने के बाद एक बार थोड़ा सा मैंने इसको वापस से धो लिया था, तो अब हम इसे ग्रेट करेंगे। तो आप इस तरह का कोई भी ग्रेटर ले सकते हैं जो आपके घर पर हो। तो इस तरह से लौकी को ग्रेट कर लेना है। मैं हाफ़ ही पीस जो है लौकी का वो ग्रेट करूँगी। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में रायता बना रहे हैं तो आप पूरी लौकी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 कप दही लिया है। तो यहाँ देखिए, लौकी को मैंने ग्रेट कर लिया है अच्छे से। अब हमें इसे बॉईल करना है। देखिए कितने अच्छे से लौकी जो है वो ग्रेट हो गई है। तो अब हम इसे बॉईल कर लेते हैं। तो बॉईल करने के लिए मैंने गैस पर पहले से ही पैन में पानी डालकर रखा हुआ था, 1 गिलास पानी डाल दिया था। पानी हल्का बॉईल हो गया है, अब हमें लौकी इसमें डाल देनी है। लौकी को जैसे ही ग्रेट कर लें वैसे ही तुरंत ही बॉईल करने के लिए डाल दें, वरना लौकी जो है वो काली पड़ जाती है। तो अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको पानी में। लौकी को हमें 10 मिनट के लिए इसको कुक करना है अच्छे से, लौकी गलने तक। तो यहाँ देखिए 10 मिनट हो चुके हैं लौकी को बॉईल होते हुए। आप देख रहे हैं कि लौकी का कलर भी चेंज हो गया है और लौकी जो है एकदम पक चुकी है। तो अब मैं गैस ऑफ कर दूँगी और अब इसे स्ट्रेनर में छान लेंगे, और इसके ऊपर ठंडा पानी डालकर हम इसे अच्छे से निचोड़कर एक बाउल में निकाल लेंगे। तो यहाँ मैंने गैस ऑफ कर दिया है। तो यहाँ देखिए, मैंने इसको स्ट्रेनर में छानकर अच्छे से निचोड़कर एक बाउल में निकाल लिया था। इस तरह से हो जाती है लौकी फिर। तो अब ये बिल्कुल ठंडी है, तो अब इसे दही में मिलाएंगे। दही को मैंने अच्छे से फेंट कर रख लिया था, 2 कप दही लिया है मैंने। तो अब ये जो लौकी है इसको इसमें डाल देंगे। जो लोग लौकी नहीं खाना पसंद करते हैं वो इस तरह से रायता अगर खाएंगे तो उन्हें तो बहुत ही पसंद आने वाला है, और ये बहुत हेल्दी होता है। इसे अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। तो अब यहाँ देखिए, लौकी और दही को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें धनिया डालूंगी, हरा धनिया जो मैंने कट करके रखा हुआ था। इससे भी रायते में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और ये 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा है, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, नमक है 1/2 चम्मच, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ को घर पर ट्राई करते हैं तो उसकी पिक्चर्स क्लिक कर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं रायते में। नीचे तैयार है क्विक एंड ईजी लौकी का रायता। इसे पुलाव के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको पुलाव की रेसिपीज़ देखनी है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो अब इसे एक बाउल में सर्व कर देते हैं।
तो यहाँ पर मैंने एक बाउल में से सर्व कर दिया है, थोड़ा सा पुदीने से मैंने गार्निश किया है। अब आप भी जल्दी से घर पर इसे ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मैं इसी तरह आपके लिए नई नई रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।